दुर्ग के बघेरा कोर्ट में देशी शराब भट्टी खोले जाने के विरोध में वहां के वार्डवासियों ने बड़ी संख्या में पहुंच कलेक्ट्रेट का घेराव किया, साथ ही सड़क जाम कर नारेबाजी कर आक्रोश भी जताया। दुर्ग के बघेरा कोटनी मुख्य मार्ग में जिला प्रशासन द्वारा नई देशी शराब दुकान खोले जाने की तैयारियां की जा रही थी, जिससे आक्रोशित बघेरा सहित आसपास के 5 वार्डों के नागरिकों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव मंगलवार को किया और कलेक्ट्रेट मार्ग को बाधित कर शराब दुकान का विरोध करते हुए लिखित में आदेश जारी करने की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे वार्डवासियों ने जिला प्रशासन के इस कृत्य की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि शराब भट्टी खोलने से इसका सबसे ज्यादा असर युवाओं व महिलाओं को झेलना पड़ेगा जो उस मुख्य मार्ग से गुजरती है। उन्होंने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शराब भट्टी नहीं खोलने की मांग की। इस संबंध में न्यूज टीम को वार्ड के रहवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन आज बघेरा उरला और कोटनी क्षेत्र के बीचों बीच में शराब भट्टी खोली जा रही है, जिसके लिए सेट निर्माण हो गया है, जिसकी जानकारी लगते ही ग्रामवासी और आसपास के गाँव वाले इकट्ठा होकर आज उस शराब भट्टी का विरोध करने के लिए प्रशासन के सामने कलेक्टर परिसर आए हैं। लोगों की ये मांग है कि एक और सरकार जब शराबबंदी का वादा करी है तो शराब भट्टियाँ खोलने का क्या औचित्य है, और जिससे गांव के और आसपास के क्षेत्र का माहौल ख़राब होता है, जिसका विरोध करते हुए आज करीब 500 लोगों की संख्या, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या और युवक युवतियों की संख्या आज कलेक्टर परिसर में उस शराब दुकान का विरोध करने के लिए आई है। हो रहा है सर, क्योंकि वहाँ बच्चे का स्कूल है, बहुत बड़े स्कूल खुला है, वहाँ जोत जवारा बैठता है, मंदिर है पास में, और वो हमारा कृषि का पूरा क्षेत्र है। बहु बेटी लोग एनी टाइम वहाँ किसानी करने के लिए पूरा जाते हैं, हम लोग तो आने जाने कैसे करेंगे। और इधर कोटनी है, नपुरा है, और पूरा बच्चे उधर से इधर पढ़ने के लिए आते हैं, इधर के बच्चे उधर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये तो पूरा गाँव हमारा बर्बाद हो जाएगा ना, छोटे छोटे बच्चे फिर पीने सीख जाएंगे। सालों से तो नहीं, हमको कुछ दिन पहले ही पता चला है कि यहाँ पे दारू भट्टी खुलने जा रही है करके, और हम चाहते हैं कि क्योंकि जब कोटनी को दुर्ग आना हो और दुर्ग से कोटनी जाना हो तो वो मुख्य मार्ग होता है हमारे लिए, और कोई मार्ग नहीं है। जहाँ भी दारू भट्टी खुलती है उसके दूर दूर तक क्षेत्र बहुत प्रभावित रहता है, बहुत प्रकार के अपराध होने का पूरा संभावना रहता है, और निस्संदेह अपराध होता है। मादक द्रव्य सेवन करने के बाद जो है इंसान अपने होशोहवास में नहीं रहता है, और हमारी बहन बेटी भी काम के लिए, रोजगार के लिए जब शहर की ओर आती है तो वापसी में जाने के लिए रात हो जाता है, अंधेरा हो जाया रहता है, और ऐसी स्थिति में जो है दारू भट्टी खुलने के बाद जो है हमारे ऊपर खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारी बहन बेटी के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। हम नहीं चाहते कि दारू भट्टी खुले, हम उसके विरोध में आए। बघेरा और कोटनी के बीच में जो दारू भट्टी खुलने जा रही है वो जो है 2 दिन के अंदर जो है वहाँ पे सारी तैयारी जो की हुई है, 3 सेट लगाई हुई है, जाली वाली जो तैयार किया हुआ है उसको तुरंत ही हटाया जाए। नया कितनी वर्ष में जो नया भट्टी खुल रहा है बघेरा वार्ड 56 में, बघेरा से कोटनी मार्ग में, हमारे ग्राम देवी है माता बगदई मंदिर के पहले बोगदा पुल के पास बाईपास से लगा हुआ, और ये अति संवेदनशील क्षेत्र ये है कि पास में मंदिर है, पास में शिक्षण संस्थान है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एसटीएफ जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का हेडक्वार्टर एसटीएफ, जिनकी सुरक्षा जितने भी हमारे वनांचल में जो हमारे जवान जाते हैं नक्सलाइट को एक से दो चार होने के लिए, सबसे हेडक्वार्टर वही है, वहीं पे पास में दारू भट्टी खुल रहा है। दारू भट्टी खुलने से ये स्वर्ग में और इस मार्ग में जो आना जाना है बहुत दुभर हो जाएगा, खासकर हमारी माताओं महिलाओं के लिए, और हमारी बेटियाँ जो गांव से शहर की ओर उच्च शिक्षा के लिए आते हैं उनके लिए भी चलना दुभर हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से शासन से मेरा निवेदन है कि जो नया वित्तीय वर्ष में जो चालू भट्टी खुलने प्रस्तावित है उनको रद्द करें, नहीं तो हम वार्निंग देते हैं, अगर बंद नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और ये सबकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। दारू भट्टी ना बिल्कुल बंद होना चाहिए, और जो बघेरा वाले मार्ग पे जो खुलने का प्रावधान रखा है ना वो सबसे गलत है, क्योंकि स्कूली छात्र छात्राएं हमारे गांव से कोटनी से मजदूर और लेडीजें भी काम में सब जाती हैं, महिलाएं है ना, तो उसे ना सरकार ना जो वहां पर जो दारू भट्टी खुलवा रही है ना बघेरा में उसको बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वहां पर दारू भट्टी नहीं था फिर भी वहां पर वारदात होती है ना, नदी जब बंद हो जाता है, बाईपास बना नहीं है वहां का, तो वहां पर पहले से भी वारदात होता है, और दारू भट्टी खुलने से और ज्यादा ही वारदात बढ़ेंगी सर, और सब बच्चे लोग खासकर लड़कियां स्कूल जो आती है बघेरा है ना पढ़ने के लिए और कामकाजी। ब्रांड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।